A very sweet morning to all of you. It is your GK class. Today we are going to discuss chapter 37. Chapter name is Blooming World, means khilti hui duniya. Ya hum keh sakte hain khilta hua sansar. Now let's start the chapter. Flowers are the easiest way to show your feelings and emotions. Flowers means phool. एक आसान तरीका है आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, मीन्स भावनाओं को प्रदर्शित करने का. व्हेन वी सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स वी फील हैप्पी. जब हम किसी भी सुंदर फूल को देखते हैं तो हम अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं, यानी हमारा मन खुश हो जाता है. दे आर अ सिंपल एंड सिंसियर वे टू लिफ्ट आउट स्पिरिट्स. मीन्स स्पिरिट्स, स्पिरिट्स मीन्स आत्मा. ये हमारी स्पिरिट्स को लेफ्ट आउट करने का सुंदर तरीका है. बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द वर्ल्ड. नीचे कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो कि वर्ल्ड के हैं, संसार के हैं, उनके बारे में बताया गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्लमेरिया. प्लमेरिया विच इज नेटिव टू ब्राज़ील, कैरिबियन एंड सेंट्रल अमेरिका कम्स इन सेवरल वेराइटीज. प्लमेरिया जो कि ब्राज़ील, कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका, मीन्स मध्य अमेरिका का मूल है और कई वेराइटीज़ में आता है. इट इज़ नोन फॉर इट्स मैसमर्जिंग सेंस एंड ब्यूटी. यह अपनी अद्भुत खुशबू और सुंदरता के लिए जाना जाता है. प्लमेरिया हैज़ कम इन अ वेराइटी ऑफ वाइब्रेंट कलर लाइक पिंक, रेड, येलो एंड मून. प्लमेरिया कई प्रकार के जीवित रंगों में आता है, जैसे कि गुलाबी, लाल, पीला और अन्य. नाउ सेकेंड क्राइसेंटिमम्स, इसे गुलदाउदी भी कहते हैं. द फ्लावर कम इन नंबर ऑफ फॉर्म्स. दीज कैन बी बटन्स, पॉम्पस, डेकोरेटिव और डेजी लाइक. यह फूल कई रूपों में आते हैं. ये बटन आकर्षक, सजावटी या डेजी जैसे हो सकते हैं. ऑल्दो येलो इज द ट्रेडिशनल कलर ऑफ सेंटिमम फ्लावर, दीज कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अदर कलर्स इंक्लूडिंग रेड, वाइट एंड पर्पल. हालांकि पीले सैंथिमम फूलों के पारंपरिक रंग हैं, लेकिन ये लाल, सफ़ेद और बैंगनी सहित अन्य रंगों में भी पाए जाते हैं. डहेलिया. डहेलिया हैज़ ओवर 30 स्पेसिस. वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द लवली फ्लावर इज दैट इट्स कम्स इन अ वैरायटी ऑफ साइज रेंजिंग फ्रॉम 2 इंच बटन डहेलिया टू 1 फीट नट प्लेट डहेलिया. डहेलिया की 30 से अधिक प्रजातियाँ होती हैं. स्पेसिस मिस प्रजातियाँ, मिस प्रकार के होते हैं. इस प्यारे फूल की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये 2 इंच बटन डहेलिया से लेकर कई प्रकार के आकार में आता है, जो कि 1 फीट डिनर प्लेट डहेलिया भी होता है. नाउ ऑर्चिड. ऑर्चिड प्लांट्स कैन ईजिली अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट एंड सो इट इज़ अवेलेबल ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑर्चिड प्लांट है वो आसानी से पर्यावरण को अनुकूलित कर लेता है, मीन्स अपने आप को अडेप्ट कर लेता है पर्यावरण के अनुकूल. With its beautiful crafted petals and lovely color, orchids are a favorite among florists and flower lovers all over the world. इसकी जो खूबसूरती से तैयार की गई पंखुड़ियाँ हैं और जीवित रंग है, उसके कारण ये ऑर्किड सभी फ्लोरिस्ट और फ्लावर्स लवर्स में लोकप्रिय है. ट्यूलिप. Various species of this beautiful flower can be seen in garden as cut flowers or as potted plants. इस खूबसूरत फूल की विभिन्न प्रजातियां बगीचे में फूलों के जो लूजेस पॉटेड प्लांट्स के साथ में देखा जा सकता है. ट्यूलिप कम्स सेवरल कलर्स. ट्यूलिप कई कलर में आता है, एज वेल एज फ्लावर शेप, और इसकी जो शेप है वो भी, आकार है वो भी आते हैं अलग अलग. देयर आर ओवर 100 नोन स्पेसिस ऑफ दिस इनक्रेडिबल प्लांट. इस अविश्वसनीय पौधे की 100 से अधिक प्रजातियाँ हैं. नाउ वाटर लिली. Lilies are remarkably gorgeous flower which comes with a floating mat on frozen lily pads. Water lily उल्लेखनीय रूप से एक भव्य फूल है जो पत्ते lily pad के एक अस्थाई mat के साथ आते हैं. Basically there are 3 kinds of water lilies. Basically 3 प्रकार के water lilies होते हैं. Nymphaeensis और the common water lily, जिसे हम nymphaeensis या सामान्य जल लिली कहते हैं. Nelumbo या lotus एंड नुपार लुतेमा द येलो वाटर. और नुपार लुतेमा पीला या पानी लिली. नाउ मैं
मैग्नोलिया, मैग्नोलिया पोट्स ऑफ ओवर 200 स्पेसिस। द मैग्नोलिया फ्लावर्स कम पिंक, पर्पल और वाइट एंड द साइज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3 to 12 इंचेस इन डायमीटर। दिस फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, स्वीटनेस एंड फेमिनिटी। मैग्नोलिया 200 से अधिक प्रजातियों का आते हैं। मैग्नोलिया फूल गुलाबी, बैंगनी या सफ़ेद रंग के भी होते हैं और आकार में 3 से 12 इंच के बीच कहीं भी हो सकते हैं। यह फूल एक प्रतीक है ब्यूटी मीन्स सुंदरता का, स्वीटनेस मीन्स मिठास का और फेमिनिटी स्त्रीत्व का। नाउ कैलो लिली, अ सिंबल ऑफ मैग्निफिसेंस एंड ब्यूटी। द कैलो लिली इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्लावर विच इज एक्सपेंसिवली यूज इन फ्लावर अरेंजमेंट्स, बुकेट्स एंड डेकोरेशन पर्पज। कैलो लिलीज कम इन द शेड्स ऑफ ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल एंड मोर। कैला लिली भव्यता और सुंदरता का प्रतीक है, जिसका बहुत ही सुंदर फ्लावर है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर फूलों की जो व्यवस्था है, गुलदस्ते हैं और सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैला लिली हरे हरे, पीले, गुलाबी और पर्पल, बैंगनी और अन्य रंगों में भी आते हैं। नाउ बर्ड ऑफ पैराडाइज, बर्ड ऑफ पैराडाइज एन अनयूजुअल नेम फॉर अ फ्लावर इज नोन सो ओइंग टू इट्स शेप। विथ इट्स यूनिक शेप एंड वाइब्रेंट कलर, द बर्ड ऑफ पैराडाइज इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बर्ड ऑफ पैराडाइज एक फूल के लिए असामान्य नाम है, जो अपने अद्वितीय आकार के कारण जाना जाता है। ये अपने जो इसका आकार है, इसके जीवंत रंग हैं, इसके साथ बर्ड ऑफ पैराडाइज निसंदेह दुनिया में अनडाउटेडली मीन्स निसंदेह दुनिया में मौजूद है और सबसे सुंदर फूलों में से एक है। नाउ रोज मीन्स गुलाब, रोजेज आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। रोजेज मीन्स गुलाब, पृथ्वी पर लगभग हर जगह गुलाब पाए जाते हैं। द दिस ब्यूटिफुल फ्लावर कम्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स एंड ईच कलर होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, रेड रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, वाइल अ येलो रोज स्टैंड फॉर फ्रेंडशिप। यह सुंदर फूल विभिन्न रंगों में आता है और प्रत्येक रंग का एक अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, जो रेड रोज होता है वो लव का सिंबल होता है और जो येलो रोज होता है वो फ्रेंडशिप मित्रता का सिंबल होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज, नेम द कंट्रीज विद विच दीज फ्लावर्स बिलोंग्स टू। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं, इनकी कंट्री से जो बिलोंग करते हैं उसके नेम को आपको लिखना है। फर्स्ट प्लम ब्लूज़म, ये चाइना का है। सेकंड नैप वीट, जर्मनी। क्रेस्टिटिमम, जापान। एंड क्वाभाई, न्यू जीलैंड। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप प्रैक्टिस एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू।